लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस नेता लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यालय में जो जन सुनवाई है उसका दौर शुरू हो चुका है। आज सोमवार है और सोमवार से इसकी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहले चरण में जो है वो लोगों से जुड़ रहे जन सुनवाई को लेकर के। बन्ना जी, लगातार इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के द्वारा की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच आप लोग पहुँच रहे हैं? नहीं, जनता के बीच में यदि हम नहीं पहुंचते तो फिर यहाँ चुनाव जीत के कैसे आते। 1 लाख वोट आया है जमशेदपुर शहर की महान जनता ने दिया है, तो जनता का अच्छा काम किया है तभी ना वोट दिया है। अभी कैसे जा रहे हैं जनता के बीच में? हम लोग तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की विचारधारा को लेकर ही कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया और इस देश को आज़ादी दिलाई। तो हमारे तो रग रग में जनता के प्रति जो है समर्पण है, त्याग है और जनता के प्रति काम करने की हमारी जो है सोच है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग थोड़े हैं कि समय आता है तो जो है नाटक नौटंकी करने लगते हैं। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। अगर बात करेंगे आज की, तो कई सारे लोग कई सारी समस्याओं को लेकर के आए थे, स्वास्थ्य रिलेटेड भी कई सारे लोग जो पहुंचे हुए थे और भी लोग पहुंच रहे थे आपसे, तो क्या क्या समस्याओं को आपने यहाँ पर सुना, क्या कुछ निकल कर सामने आया कि और कितना पहुँचना बाकी है ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, ये राज्य का मुख्यालय है और मुख्यालय जब होता है तो मुख्यालय में राज्य के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति से लेके राज्य का सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी आता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो कृषि से हो, चाहे वो कल्याण विभाग की हो, पुलिस विभाग की हो, कई तरह की समस्याएं आई हैं और जो भी समस्याएं जनहित की हैं उन समस्याओं को प्रायोरिटी बेसिस में उसके समाधान की दिशा में काम करना है। कुछ समस्याएं व्यक्तिगत भी होती हैं, उन पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और आगे और भी जुटेंगे तो ये जो है सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो लोग पहुंचे हुए थे कि स्वास्थ्य में हमें ये परेशानी हो रही है, हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग में और क्या कुछ काम और करने की ज़रूरत है? इससे तो पता चलता है ना कि जनता के बीच कितनी योजनाएं पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसके बारे में कुछ अनुमान लगा इस जनसुनवाई में? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिस पर प्रति मिनट प्रति सेकंड उसमें कुछ न कुछ सुधार और कुछ न कुछ गुणात्मक सुधार, कुछ न कुछ नए इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक यथावत खड़ी है तो खड़ी है। स्वास्थ्य में आप देखते होंगे पहले सीटी स्कैन होता था तो 15 स्लाइस, 20 स्लाइस, 25 स्लाइस, आज 526 से भी ऊपर चले गया है। पहले आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि बहुत सारी जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन वगैरह झारखंड में कभी आई थी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार में एक भी आरटीपीसीआर लैब था, आज 15 आरटीपीसीआर लैब कारगर हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोबास 6800 जो है झारखंड में लगेगी, लेकिन आज दो दो जगह वो लगे हुए हैं। तो देखिए, लगातार इसका हमारा प्रयास चल रहा है और झारखंड में जब कोविड की समस्या उत्पन्न हुई तो हम लोगों ने आज 21,680 बेड सुरक्षित किए, जिसमें 5,227 बेड ऐसे हैं जो नॉन एसी के हैं, 11,356 बेड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, आपको 1,447 बेड हमारे ऐसे हैं जो आईसीयू से रिलेटेड हैं, हमारे यहाँ 1,456 बेड ऐसे हैं जो हमने वेंटिलेटर से जोड़ रखे हैं, हमारे यहाँ 510 जो है पीआईसीयू के बेड हैं, हमारे यहाँ पीआईसीयू एचडीयू के बेड जो हैं 455 हैं, 1,180 हमारे यहाँ जो है एचडीयू पीआईसीयू के हमारा जो है बेड पड़े हुए हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं इब्बट की बात है नहीं। और आप देखिएगा, यदि भारत के अनुपात में झारखंड का अनुपात देखिएगा तो वो भी बहुत बेहतर है, जहाँ पर भारत में जो है प्रति जो है 1,000 में 34 बच्चे मरते थे पहले 2014 की जनगणना में, 2014 के वर्ष की बात बता रहा हूँ, जनगणना नहीं, 2014 की बात, और उसमें जो है हमारे यहाँ 25 बच्चे की मौत हो रही है, वो भी दुखद हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत जो है 29 का है। पहले जो है 1 लाख में जो है गर्भवती हमारी महिलाएं जो है मात्र शिशु दर में 156 का डेथ होता था, और अभी हमारे यहाँ मात्र 56 की मृत्यु हो रही है, जबकि जो है औसत जो है 97 है। तो आप देखिएगा, बहुत चीज़ों में राज्य जो है निश्चित तौर पर, ये ट्राइबल और दलित स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है, लेकिन हमारी सोच और हमारी
विचार जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव है। तो हम लोगों के साथ थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने जन सुनवाई को लेकर के आज कांग्रेस कार्यालय में लोग पहुंचे हुए थे और अपने अपने मुद्दों को यहां पर रखा, इनसे बातचीत की। हम आपको जनता के भी बयान सुनाते हैं कि जनता इस पूरे जन सुनवाई के दौरान क्या कुछ मुद्दों को लेकर के पहुंची थी। हम आपको वो सुनाते हैं, किन्नर समाज भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था, वो चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ों को यहाँ पर वो लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने रख रहे थे। सीधा सुनिए। हमारा यही आए हैं कि हमको सरकार ने 1000 रुपया लागू पेंशन लागू किए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किन्नर यौ महिला उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं राजकुमारी किन्नर, मैं बोकारो झारखंड से ऋतु जी से आई। तो जब सरकार ने हमको 1000 लागू कर दिए पेंशन, तो हम लोग PSL के जमीन पर रहते हैं, हम लोग आवासीय चाहिए, एगो आंगनबाड़ी चाहिए, बाल बच्चा है, रोड उस पर हाईवा बन गया है, रोड उस पर बच्चा लोग के जाने में तकलीफ होता है। तो इसलिए जो हमारा एगो आंगनबाड़ी का मांग है, एगो हम लोग के मकान घर जगह जमीन हो जाए। 5 लड़की 3 लड़का पाले हैं, पोसे हैं, BSL के जमीन पर रहते हैं। आज BSL उठा देगा, लड़का लोग के कहाँ जाएंगे? हमारा तो जिंदगी देर दिन कर रही सुनिया हो गया, बच्चा लोग का जिंदगी आ रहा है, कहाँ बैठाएं? हमारा आवास एगो चाहिए सरकार से, आए एगो आंगनबाड़ी है। मंत्री जी क्या आश्वासन दिए आप लोगों को? मंत्री जी बोले आपको जो सब हो गया, आपका कागज मेरा फाइल जमा हुआ, बोले आपको बारे में दिया जाएगा। मंत्री जी की तरफ से कुछ शुभकामना भी मिला आप लोग? हाँ, आप लोग खुश है? अब कितने लोग आए थे टोटल? तो हमारा तो बहुत ग्रुप है, बाकी अभी हम लोग गया में हम लोग का बहुत भारी सम्मेलन मीटिंग हो रहा है, अभी वहीं पर डिपार्ट सब दिया है, आएंगे हम लोग ऐसे 10,000-5,000 की मीटिंग है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आम जनों की बातों को सुना, जहाँ पर किन्नर समाज भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था, अपनी परेशानियों को लेकर के अपनी बातों को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रखा। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनता के बीच लगातार कांग्रेस जाते रहती है और ये कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही सुनवाई की स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो लोग अलग अलग क्षेत्रों से पहुँच रहे हैं, मुख्यालय है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के जनता जो है वो हमारे तक पहुँच रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।